हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही महेश में। मैं सुबह की उठ चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी अपना खाना वगैरह बनाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं मेरी सासू माँ पूजा कर रही हैं। अब वही पूजा वगैरह करती हैं, मंदिर साफ़ करती हैं। पहले मैं मंदिर साफ़ कर देती थी पर अब वही करती हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो गाइस, किचन की खिड़की खोल लेती हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छी रोशनी आती है। तो किचन में मतलब खिड़की खोलने के बाद ना लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि गाजर रात से घिसी हुई रखी थी तो मैंने सोचा इसको सुबह बना देती हूँ और फिर शाम को आऊँगी तो दूध काजू वगैरह सब कुछ डाल के उसको फिर से पका लूँगी। पर अभी भूंज वूंज के सारा कुछ करके रख देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी सूखी, वो भी क्योंकि रात की भी सब्ज़ी रखी हुई है, दाल रखी हुई है, तो उसको नहीं बनाऊँगी। सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी जो कि लंच के लिए पैक करूँगी। और एक साइड मैंने गाजर खलवा, दूसरी साइड मैंने सब्ज़ी रख दी है बनने। आज मैं बनाऊँगी सूखी सब्ज़ी क्योंकि रस वाली लंच के लिए ज़्यादा सही नहीं रहती, तो कभी कभी अच्छी भी लगती है। और ये दोनों ही चीज़ें मैंने दोनों ही गैस में चढ़ा दी है ताकि फटाफट बने, क्योंकि फिर ना ठंड के कारण मैं लेट उठती हूँ, लेट सो के उठने के कारण सब कुछ लेट हो जाता है। या मेरा पानी गर्म हो के रखा हुआ है, इससे मैं अभी नींबू और शहद डाल के पीऊँगी और सुबह फटाफट इतनी जल्दबाजी रहती है ना कि क्या बताऊँ, अच्छे से नहीं हो पाते। बट फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि सारा खाना अच्छे से बन जाए। और बस मैं सुबह का सिर्फ खाना ही बनाती हूँ और टिफ़िन पैक करूँगी, इनको नाश्ता दूँगी, ये करेंगे, मैं अपने चाय वगैरह बनाऊँगी। बस उसके बाद पूरा काम जो होता है मेरी सास माँ ही संभालती है। अगर वो ना मेरा हाथ बिठाए तो पता नहीं मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँ, नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। और अगर मैं जॉब भी करती हूँ तो मेरा सपोर्ट सिस्टम वही है। अगर वो सपोर्ट ना करती, इतना घर वगैरह के काम वगैरह में मेरा हाथ ना बटाती तो शायद मैं नहीं कर पाती। फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि वो पूरा सपोर्ट करती है मेरा। शाम को भी मैं जाती हूँ ना तो खाना बना ही रहता है और बस मैं खाना खिलाती हूँ और फिर मैं रात के बर्तन धो लेती हूँ, बस हो गया। सुबह मैं बना के आ जाती हूँ। यहाँ बस मेरी अब रोटी भी बन गई है, इसके बाद मैं फटाफट अपने और इनका लंच बॉक्स पैक करूँगी। लंच बॉक्स पैक करने के बाद स्टोर में मिलती हूँ। तो गाइस, हम लोग आए हैं गाड़ी सर्विसिंग में डालने के लिए। ये लड़का आ चुका है मुझे लेने के लिए। अभी मेरा टर्न आया नहीं है, अभी मेरा नंबर नहीं आया, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ बाहर धूप में। सो गाइस, हम लोग आए हैं गाड़ी का सर्विसिंग कराने, लेकिन आए उसके बाद कहाँ चले गए थे? आपके कारण मैं इधर मुड़ के मैं सोची आ रही हूँ। रवि को बुलाई जाने के लिए, रवि गाड़ी नहीं ला पा रहा, तो उसको मांग के लाया है। तो गाइस, ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये सर्विसिंग के लिए जाएंगी। काम चल रहा है, मैडम यहाँ अपने काम धाम में लगी है, चल रहे। गाइस, मैं आ चुकी थी स्टोर। सब सो गाइस, कहाँ है कस्टमर? तो बड़ी चाहे ताई भाई चुपे कहाँ कहते ये यहाँ पे काम पे लग गए अपने। सो गाइस, हम क्या कर रहे हैं पता नहीं, कस रहे हैं अपना मूड, कस रहे हैं। हमारी चाय आ चुकी है, हम लोग चाय पी रहे हैं। ये प्रिया भी खड़ी है। मोदी जी, आप भी हाय बोल दीजिए एक बार। हाय हाय गाइस। तो गाइस, रिया पूछना चाहते हैं मोदी जी। हाय गाइस बोलिए। हाय, हेलो बोल दीजिए। हेलो 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 गाइस, कैसे हैं आप सब? ये हमारे मोदी जी हैं, कोई नहीं। लेने जा रही हूँ, तुम लहसुन की दीवानी हो? नो मैम, लहसुन खा के करती है, लहसुन करती है, लाना जाके खीरा लेने जा रही हूँ।
अब मैं ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बनी रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।